हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल डी वर्सेस एफएम के बीच में होने वाला 14th T20 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें दोस्तों, ये लीग का नाम है ICC एकेडमी समर कप 2022 का लीग है। और डेट एंड टाइम की बात करें, ये जो मैच है 9:30 बजे रात को खेला जाएंगे। पिच बैलेंसड रहने वाला है, एवरेज स्कोर 130 से 150 रन तक बन सकता है। वेन्यू की बात करें, टॉलरेंस ओवल अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें, दुबई डेयर डेविल्स एक मैच खेले हैं, दो मैच में एक मैच जीते, एक मैच हारे हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्यूचर मैटर्स की बात करें, एक मैच हारे हैं, दो मैच जीते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर दुबई डेट डेविल्स ने दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दो में से एक मैच जीते, एक मैच हार के थर्ड पोजीशन पे। फ्यूचर मैटर्स की बात करें दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर तीन में से दो मैच जीते, एक मैच हार के सेकंड पोजीशन पे। तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन वर्सेज थर्ड पोजीशन के बीच में ये मैच खेला जाएंगे। उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, दुबई डेट डेविल्स के लिए यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे कौन आएंगे प्लेयर स्टार्ट बताऊंगा, इसी प्रकार बेंच प्लेयर भी रहेगा। फ्यूचर मैटर्स के लिए विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर कौन आएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया, एक बार वहां जाके लिंक पे क्लिक करें तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम का लिंक ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप सीधा पहुंच जाएंगे, यहीं पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड सब कुछ यहीं पर मैं कवर करता हूं दोस्तों। फाइनल टीम, फर्दर अपडेट सब कुछ मिलेंगे। अगर बाई मिस्टेक लिंक को नहीं ओपन होता तो टेलीग्राम पर आपको जाना है @शत्रुघ्न, मेरे चैनल का नाम है दोस्तों 225, इस प्रकार जाके सर्च करना। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर 1100 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन कुछ यूजर्स है मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं, अब उससे दूर रहिएगा दोस्तों। उससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो यहीं पर मेरा फाइनल टीम, यहाँ पर फाइनल टीम समझने के लिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार मेरा यूट्यूब का थंबनेल शो होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर YouTube का लिंक भी आपको इसी प्रकार मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद जिस एप्लीकेशन पे मैं खेलता हूँ उसका भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे दोनों टीम की स्टार्ट क्या है। तो यहाँ पर दुबई डेयर डेविल्स के विकेट कीपर के लिए आपको राहुल सोनी है। अगर इनकी बात करें, सीजन में 51 रन 5 रन बनाए, दो मैच में 56 रन है दोस्तों इस सीजन में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, हरुण गौस लास्ट मैच में 2 रन बनाए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो मैच में 41 रन 0 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 43 रन 0 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। रतीश पुजारी की बात करें, लास्ट मैच में 30 रन 1 विकेट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस सीजन में दो मैच में 41 रन 3 विकेट है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मोहम्मद नसीर साहिब पिल्लाई की बात करें दोस्तों, लास्ट दो मैच में 13 रन 1 रन बनाए, दो मैच में 14 रन हुआ। पुनिया मेहरा की बात करें, लास्ट मैच तो नहीं खेले, पहला मैच में 2 रन 0 विकेट है। अक्षय जोटिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दो मैच में एक ही मैच खेले, 1 विकेट लें। आदर्श देसाई भी लास्ट मैच में 1 विकेट लें। तो यहाँ पर अगर आपको बैट्समैन के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पर जो रतेश पुजारी और उसके बाद दोस्तों हरुण गौस है, इन दोनों को ले लीजिए। अगर यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें, अक्षय जोटिन को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे किसको लेना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात जान लीजिए, जो अक्षय जोटिन है बैट्समैन है दोस्तों, लास्ट मैच में ठीक से बैटिंग नहीं की है, बैटिंग मौका ही नहीं मिला दोस्तों यहाँ पर। जब ऑलराउंडर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभय जोटिन है। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच में 89 रन बनाए, कुल मिला के दो मैच में 119 रन हो रहा है। अब्दुल अजीज मोहम्मद की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में 46 रन 3 विकेट है, पूरा कुल मिला के सीजन में दोस्तों दो मैच में 50 रन 3 विकेट है। तो इन दोनों ऑलराउंडर्स को आप कंफर्म कर सकते हो। और यहाँ पर रैन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर रैन वर्ल्ड वीटी 7 रन कोई विकेट नहीं लास्ट मैच में। अब्दुल सफर की बात करें, 3 विकेट है। तो यहाँ पर आपको मैं तीन ऑलराउंडर, अभय जोटिन, अब्दुल अजीज मोहम्मद रशीद और यहाँ पर अब्दुल सफर, इन तीनों ऑलराउंडर्स को आप पिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी में आते हैं मोहित राघव। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच तो नहीं खेले, 0 विकेट मिला, खेले हैं दोस्तों लेकिन विकेट नहीं मिला, पहला मैच में 2 रन 1 विकेट है। सीजन में पूरा देखा जाए तो 2 मैच में 2 रन 1 विकेट है। कृष्णन बालासुब्रमण्यम की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है, लास्ट मैच तो नहीं खेले, 1 रन कोई विकेट नहीं। फरहान हनीफ की बात करें, 4 रन 1 विकेट 0 विकेट है, 2 मैच में 4 रन 1 विकेट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर मोहित राघवन को आप यहाँ पर ले सकते हो अपने टीम में। तो उसके बाद दोस्तों, फरहान हनीफ यहाँ पर बॉलिंग पे, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो इस टीम के लिए कोई भी मेन प्लेयर नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप दो बेंच प्लेयर इस टीम के लिए मैं रख रहा हूँ दोस्तों। अगर ये लोग खेलते हैं तो आप इनका स्टैट्स ओवरऑल देख सकते हो, अगर ये खेलते हैं तो पिक करेंगे, आपको मैं टेलीग्राम पर इनका स्टेटस भी अपडेट कर दूंगा। ना दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर मैटर्स के लिए किसको लेना चाहिए, तो अब्दुल सगुर है दोस्तों विकेट कीपर पे, लास्ट मैच तो नहीं खेले लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पहला मैच में 45 रन, दूसरा मैच में बैटिंग नहीं है। हास का मतलब है दोस्तों प्लेइंग 11 पे लेकिन बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला। उसके बाद मोहम्मद इकरम जरुआ की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट दो मैचेस से नहीं खेले, 9 रन बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर विकेट कीपिंग पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको दुबई डेयर डेविल्स के राहुल सोनी विकेट कीपिंग पे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन में अमजद गुल है, लास्ट में तो ये भी नहीं खेले दोस्तों। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस सीजन में दो मैच में 11 रन 0 विकेट है। शायद
शाहिद हैदर शाह की बात करें, लास्ट मैच में 41 रन एक विकेट है, कुल मिला के तीन मैच में 121 रन एक विकेट है। तो शाहिद हैदर को आप यहाँ पर टीम में ले लीजिए। अंसर खान लास्ट दो मैच से नहीं खेल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मैच में एक रन एक विकेट दो मैच नहीं खेले। अलीसन सराफू की बात करें, लास्ट मैच में 19 रन बनाए, कुल मिला के दो मैच में 80 रन है। सैफ जनुजा लास्ट मैच में 6 रन बनाए, तो आप इनको कैंसिल कीजिएगा। यहाँ पर मैं अंसर खान को नहीं लूँगा दोस्तों, यहाँ पर अलीसन सराफू, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शाहिद हैदर शाह, इन दोनों को आप यहाँ पर अपने टीम में कन्फर्म कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो मोहम्मद उस्मान एक्सपीरियंस प्लेयर है, लास्ट मैच में 46 रन दो विकेट है, और कुल मिला के सीजन में तीन मैच में 99 रन दो विकेट है। उसके बाद हैदर अली की बात करें, लास्ट मैच में दो विकेट है, कुल मिला के दोस्तों दो ही मैच खेले, एक मैच नहीं खेले, दो मैच में तीन विकेट है। तो यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात ऑलराउंडर्स में बात करें, हैदर अली और यहाँ पर आप मोहम्मद उस्मान को ले लीजिएगा। रोहन मुस्तफ़ा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में दो विकेट हैं, कुल मिला के यहाँ पर दो मैच में तीन विकेट इनके पास है। उसके बाद आर्यन लकड़ा, यहाँ पर लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की, 13 रन बनाए दोस्तों, लेकिन कुल मिला के सीजन में देखा जाए तो दो मैच में 20 रन 40 विकेट इनके पास है। उसके बाद जवाहर फरीद की बात करें, दो मैच खेले दोस्तों 75 रन बनाए। तो यहाँ पर इस टीम के ऑलराउंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, जवाहर फरीद को ले सकते हो। आर्यन लकड़ा बहुत अच्छे पिक है दोस्तों ग्रैंडी के लिए, और रोहन मुस्तफ़ा के एक्सपीरियंस सभी को पता है दोस्तों, हैदर अली भी एक अच्छा प्लेयर है। तो ऑलराउंडर्स पे दोस्तों यहाँ पर पाँचों के पाँच ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप 6 से 11 टीम अगर बनाते हो तो यहाँ पर इनको पिक कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मोहम्मद उस्मान, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा, और यहाँ पर आपको मैं दूंगा दोस्तों जवाहर फरीद को। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गेंदबाजी की, उमर अली की बात करें, लास्ट मैच में 21 रन बनाए, गेंदबाजी तो नहीं खेले, लेकिन ओवरऑल इस सीजन में एक मैच तो नहीं खेले दोस्तों, दो मैच में 34 रन एक विकेट है। आकिफ राजा की बात करें, लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, दो मैच में एक विकेट है। मोहम्मद अजहर यहाँ पर नहीं खेले दोस्तों, इनका भी यहाँ पर देखा जाए तो दो मैच में एक ही विकेट है, यहाँ पर देख सकते हो दोनों का लगभग सेम है दोस्तों। यहाँ पर मोहम्मद मुदासर की बात करें, लास्ट मैच में एक विकेट है, कुल मिला के दोस्तों दो मैच में एक रन ही बनाए, दो विकेट है पहला मैच में और लास्ट मैच में। उसके बाद मोहम्मद उजैर खान की बात करें, दो मैच में तीन विकेट चार रन दो विकेट है, दो मैच में चार रन पाँच विकेट है। तो यहाँ पर इनको जरूर कंफर्म कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद मुदासर को लीजिए, अकीपुल्ला राजा है दोस्तों, आप इनको पिक कर लीजिएगा। मोहम्मद अजहर एक अच्छा पिकिंग होंगे, लेकिन नहीं ले रहा हूँ। उमर अली कब चाहे तो ले सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स की स्टार्ट सब कुछ देखने के बाद दोस्तों, अब हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे, तो फाइनल टीम आपको मैं बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स की स्टार्ट सब कुछ देखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर राहुल सोनी मैं विकेट कीपिंग पे जा रहा हूँ। अब्दुल सकूर की पॉइंट्स अच्छा है दोस्तों, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस खास नहीं है दोस्तों यहाँ पर बैटिंग पे। तो यहाँ पर राहुल सोनी एक अच्छा पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बैट्समैन पे, तो यहाँ पर बैट्समैन पे वसीम मोहम्मद अगर खेलते हैं तो ये बेस्ट पिक रहेंगे, लेकिन नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। हरीश घोष है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद अलीसन सराफो और हैदर शाह है दोस्तों यहाँ पर, शाहिद शाह इनको पिक कीजिए, और यहाँ पर रितेश पुजारी, इन चार बैट्समैन को लेना है आपको। उसके बाद ऑलराउंडर्स पे दोस्तों यहाँ पर जॉर्डन उस्मान, उसके बाद दोस्तों आर्यन लकड़ा, आर्यन लकड़ा को पिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा टीम बनाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मोहम्मद उजैर खान है दोस्तों यहाँ पर, इनको पिक कीजिए। उमर अली है दोस्तों यहाँ पर, राजा अकीफुल्ला खान और अजहर में दोनों मेरे, तो अकीफुल्ला खान को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब दोस्तों प्रीव्यू एक बार देख लीजिए टीम की, यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन पे तो कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम लोग को सोच समझ के उस्मान को लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर कैप्टन पे। और वाइस कैप्टन पे दोस्तों ऐसा यहाँ पर अच्छा पिक रहेंगे। तो दोस्तों ये जो टीम है फिलहाल, इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों। फाइनल टीम जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है दोस्तों। मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैचेस है दोस्तों उसको भी कवर करूँगा, पूरे डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।